ये नहीं तो छोड़ दे, कमाल
इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सरगम। मुझे वो टाइम याद आ रहा कि जब मी एंड माय फादर यूज्ड टू डू दैट, स्टीफ ने अपना सफर बदल के कोई और आ जाता है, अब ये मेरी जगह पे आ गया, अपने वालिद की जगह पे आ गया, तो ये वक्त चलता रहता है। अगर
इंसान का बहुत मुश्किल दर्जा है। जब तुम बुजुर्गों की दुआ ना ली हो, मुसीकी में दो काम है, अदब करना बड़ों का और मोहब्बत करना, फिर मुसीकी आती है, रियाजत से नहीं आती, सिर्फ अदब से आती है। अदब की बात है, लेकिन वो आवाज निकालने के लिए जुदाई और फराक बहुत जरूरी है, दुनिया का तैयार भी जरूरी है। और जरूरी नहीं जंगल में जाके इंसान अकेला हो, बहुत से लोगों में रहते अकेला हो जाता है इंसान, वो भी एक तपस्या है।
वर्ड्स होते हैं, ये पर्शियन के वर्ड है जो अल्लाह की तारीफ है। और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने ये भी की कि सितार और कोई भी साज जो हाथ से बजता है वो बहुत तेज जा सकता है लेकिन गला और जुबान नहीं। लेकिन तराने को उन्होंने कंपोज करके गवैयों को ये सहूलत दी है कि अगर हम मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो दैट वाज वी इवन वी कैन गो। क्यामत के रोज पहली बंद ये जफा कम कुन के पर्दा रोजे महशर बरुए आशिका शर्मिंदा पाशी ऐ मेरे महबूब मेरे साथ बेवफाई मत कर कि क्यामत के रोज तू बेवफाओं की कतार में खड़ा हो जो मुझसे देखा ना जाएगा। जफा कम कुन के पर्दा रोजे महशर बरुए शर्मिंदा पाशी जकैते दो जहां आजाद दश्तम। अमीर साहब कहते हैं कि जिंदगी में फिर एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि जिंदगी जो कैद बन जाती है, कैद किसकी? जिंदगी और मौत की। ये वजूद जो हमारा है हम समझते हैं हमारा है लेकिन ये कैदी है जिंदगी और मौत का। हम क्या हैं हमें नहीं पता। दिस इज व्हाट सूफीज्म। सूफीज्म ये नहीं है कि गिटार पकड़ो, बुल्ले शाह को पकड़ो और सूफी हो जाओ। सूफी के लिए तो पहले त्याग करना पड़ता है, दुनिया छोड़नी पड़ती है और समझना पड़ता है और मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है। यहाँ भी सब क्या कह रहे हैं जो हम कैद है जिंदगी और मौत की। जवा कम कुल के फलदा रोदे में बरुए आशिका शर्मिंदा वाशी से कहते दो जहां आजाद गश्तम। अगर तू हम नशीनी बंदा बाशी कि ए मेरी महबूबा अगर तू मेरे साथ है तो मेरी ये जिंदगी और मौत की कैद वो रिहाई में बदल जाएगी। जो होता नहीं ये कहते तो जहां आजाद कश्तम दिले नाना तुझे हुआ क्या।
दोनों तालों पर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
तो यहाँ सुनते हैं सब लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि परसों मैंने एक परफॉर्मेंस की, वो भी ICCR और मेरे भैया संदीप साहब हैं, संदीप साहब सब जो पोइट भी हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था एफिला सेंटर में, अबादते अमन, बहुत खूबसूरत नाम था, उसमें भी परफॉर्मेंस की और यहाँ भी की। गाना चले एक हो लेकिन मूड डिफरेंट होता है, वो भी लाजवाब था, ये भी आज आप लोगों ने अजीब बना दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक दो कंट्रियाँ बन जाएं, दो भाई भी अलग हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मोहब्बतें कभी अलग नहीं होती। तो हमें ये मानना है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो एक सा। मैं यहाँ से माइग्रेट करके गया हूँ शाम चौरासी, स्मॉल टाउन है डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, जलंधर के पास है। तो पार्टीशन में माइग्रेट करके मेरे वाले साहब उस्ताद सलामत अली खान, मेरे ताया उस्ताद सलामत अली खान हो गए, उधर के लोग इधर आ गए, जी बिल्कुल सुना हो, वो इधर ही आके गाते थे ज्यादा, उधर के यहाँ यहाँ के उधर चले गए। अब पता नहीं बदला क्या है, सोच को बदलना है।
ऐसा एक दूसरे के घर में चले गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सरों पे हैं, उनको भी सलामत रखें। बस बहुत दिन हो गए पिया को प्रदेश भेजे हुए, अब आ जाना चाहिए हमें वापस। इस लाइन में जिसका योगदान है, मेरी बड़ी विश है कैसा वक्त देखा जाए। बेशक बाउंड्रियां रहे लेकिन दरवाजे जो वो तोड़ देने चाहिए, दीवारें बेशक रहे, खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि हम लोग आ जा सके, यहाँ के लोग वहां और वहां के यहाँ। क्योंकि ऐसा होगा कि वजूद इधर आ गए, किसी की हिंदुस्तान में रहेगी, किसी की पाकिस्तान में रहेगी। तो आज मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि आई वॉन्ट टू थैंक्स ICCR एज वेल, हु हैव ऑर्गेनाइज सच ग्रेट इवेंट। पाकिस्तान के और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, आजकल बॉलीवुड पे भी आप सुनते हैं सारे, तो वो भी आके यहाँ माशाल्लाह गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, सब अच्छा गा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात जो कहने जा रहा था, इस मकसद के बाद मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मौसीकी को जो अलहदा किया गया, इस पर बहुत दुख होता है मुझे। मौसीकी का कोई मजहब नहीं है, ना वो इंडियन है ना पाकिस्तान में। राग माल को उस पाकिस्तान में कुछ सीम वाला नहीं, क्या उसके बाल नहीं बुढ़े हो, वैसे ही है जैसा यहाँ वैसे। तो हमने मौसीकी को क्यों कर दिया? कोई वहां से बड़ा कलाकार आता जी पाकिस्तानी गायकी, इंडियन गायकी, जब ये किया तो उसकी जगह ये म्यूजिक कमजोर पड़ गया। एक वो दौर था उस्ताद नजाकत सलामत, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद मीर खान साहब, उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, ये बड़े बड़े लोग, इंसान जोशी साहब, ये गाते थे एक होकर, तो बड़ा स्ट्रांग बना हुआ था अखाड़ा। आज इतना बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन जब मैं गायकी सुनता हूँ तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे बुरा कहने का किसी को हक नहीं। लेकिन मुझे ये हक है कि जब जिस मौसीकी से मेरा ताल्लुक है उसको जिंदगियां बर्बाद करके हासिल किया जाता है, तो जब उसकी बेहरमती स्टेजेस पे देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे एक दूसरे का नाम लेते हैं, बड़े भी एक दूसरे का नाम लेते हैं, और जितना पेशूरा आज के दौर में होगा वो उतने नंबर वन होगा। ये तरीका कार गाने का आज का, और इसके पीछे ऐसे लोग भी लग जाएंगे जिनको मौसीकी की समझ होगी। कहते हैं ना घर का भेद ही लंका डाले, तो मौसीकी दहान लोगों ने मौसीकी को खराब किया, आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग तो पंचवा रहे, होना सब कुछ चाहिए बड़े अच्छे। फिर ये मुकाबलों के प्रोग्राम हो रहे, बाद खुदा दफा मैं देखता हूँ चैनल से कि बच्चा अच्छा गा रहा होता है और जो जज बना वो इतना बेसुरा गाता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। अब तो मैं ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि बच्चों का तो बड़ा मुकाबला हो गया, अब जजों के मुकाबले होने चाहिए तो फिर पता आएगा। खैर हम तो उस जजमेंट से दूर है, इसलिए दूर है कि किसी गोरे ने एक किताब में लिखा, मुझे उसका नाम भूल गया, उसने कहा वर्ड अबाउट म्यूजिक क्या है? उसने कहा जिसको नहीं समझ आया उसके लिए बड़ा आसान है, जिसकी को समझ आ जाता वो इसको छोड़ देता है। तो मुझे थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया, इसलिए छोड़ने को दिल करता आगे सितारों से आगे जहां और भी। ये जहां मैंने खत्म किया ना, यहां से असल में शुरू हो रहा है, ये वो काम है। तो मैं आपको ख्वाजा गुलाम फरीद की एक काफी सुनाता हूं। बाबा फरीद वली अल्लाह हुए हैं, जिनका ग्रंथ साहिबानी भी काफी उनके श्लोक है। सस्सी और पुन्नू दो लवर हुए हैं मकरान सिंध के एरिए में, कराची में। उनको ही सामने रख के उन्होंने तसव्वुफ को लिखा है, तो काफी की गायकी उसे कहते हैं। सरायकी पंजाबी हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है और बड़ी ही मीठी लैंग्वेज है और दर्द भी इसमें बहुत है। सिंधी पैर भी मेरे वाले साहब की कंपोजिशन में एक काफी पेश करता हूँ सुफियान अंदाज में। अंदाज है सहरा का जो अकाश से गाया जाता है। आ,
गाते थे तो बकुल हुसैन का सब ये काफी बिल्कुल अब खत्म होके जा रही है। Thank you.
Sagar, 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 Sag